है। आप ये देखिए, इतनी ऊंचाई पे है ये मंदिर। तो यहाँ से हो जाती है सीढ़ियाँ स्टार्ट मंदिर से। तो ये देखिए, ये है कांडा कालिका मंदिर। ये है भद्रवती नदी। हम पहुँच चुके हैं नदी के किनारे। दादी को दे दिया इसने गिफ्ट, अति सुंदर। सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे से हैं। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 7:30 और जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मौसम तो वही है, बादल लगे हुए हैं, हल्की सी धूप आ रही थी अभी, लेकिन अभी गायब हो चुकी है धूप। नाश्ता भी हमने किया नहीं है, हितांशी सोई है। और जो है, हितांशी की मम्मी आज जाने वाली है मंदिर, भोलेनाथ के मंदिर में। आपको पता है सावन का महीना चल रहा है, इसलिए ये लोग जा रहे हैं अभी शिव जी के धाम, शिव जी के मंदिर में। जहाँ पे ये लोग जा रहे हैं उस जगह का नाम है दपोला सेरा। तो आज का ब्लॉग यही बना के लाएगी वहां से। तो ये अभी तैयार हो चुकी है, बस जाने वाले हैं। वो तैयार की थी मेन चीज पहन ली है ना, और है रिजल्ट। ले तो परसों डालना है, मिल दो भरी भरी भी कद दू यहाँ पहन देखा भी दू। तो अब जो है, मैं करता हूँ हैंड ओवर मोबाइल को, कैमरे को, इसको। तो ये ब्लॉग बना के लाएगी वहां का, ठीक है? तो मिलते हैं बाद में, पकड़ पकड़ जल्दी। तो ये देखिए, ये है कांडा कालिका मंदिर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं, तो अब हम पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे आपको बाद में। तो अभी हम कालिका मंदिर में पूजा कर चुके हैं और पूजा करके परिक्रमा भी कर चुके हैं। तो अब चलते हैं सीधे धबोला सेरा शिवालय में, तो वहीं मिलूंगी मैं आपको। तो यहाँ हमारे साथ वालों की हो रही है फोटोशूट। तो अब चलते हैं हम सीधे गाड़ी में। तो ये है हमारी गाड़ी, तो इसी में जाएंगे अब हम। चलते हैं हम सीधे धबोला सेरा, वहीं जा के आपको मैं मिलूंगी। तो अब हम उतर चुके हैं। तो अब हम गाड़ी में से उतर चुके हैं, अब चलते हैं सीधे शिवालय में। और वहाँ अभी शायद शिव पुराण हो रहे हैं, तो अब हम जा रहे हैं नदी की ओर। तो आप बने रहे वीडियो में। ये है धपोला सेरा, और अभी आज देख सकते हैं आप बादल लगे हुए हैं, और हमारे साथी हैं आगे और कुछ लोग आ रहे हैं पीछे से। तो यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं, और सामने है भद्रवती नदी, इसी में से हम पानी लेके चढ़ाएंगे शिवालय में। ये है भद्रवती नदी, हम पहुँच चुके हैं नदी के किनारे। तो यहाँ से पहले हम ऐसे जल चढ़ाएंगे, उसके बाद डिब्बे में भर के ऊपर शिवालय में लेके जाएंगे। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं सामान। तो पानी हम भर चुके हैं, तो अब लेके जाएंगे सीधे शिवालय में। तो अब हम चलते हैं सीधे मंदिर में। तो ऊपर है शिवालय मंदिर, और यहाँ से शुरू हो जाती है सीढ़ियाँ। चाचू को दुहनिय सीढ़ी। तो ऊपर है शिवालय मंदिर, आधे लोग आगे जा चुके हैं और आधे हैं पीछे। तो ये है मेन गेट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे पूजा करेंगे, उसके बाद चलेंगे ऊपर। हम पहुँच चुके हैं मेन मंदिर में, ये है सेकंड गेट। तो मंदिर में जाके पूजा पाठ करके उसके बाद मिलूंगी आपको। ये देखिए भीड़। तो ये है हमारे गांव वाले। यहाँ से देखे, यहाँ का व्यू कुछ इस तरह है। Thank you.
तो यहाँ पर हम पाठ कर चुके हैं, अब थोड़ा सा हम लोग सुनते हैं शिव पुराण और उसके बाद चलेंगे घर। तो ये देखिए इतनी भीड़ हुई है यहाँ। तो ये देखिए कॉस्मेटिक का सामान, तो ये बना रखा है ब्याह जी के लिए। तो यहाँ पे अम्मा लोग डाल रही है चूड़ियाँ। तो ये है यहाँ पे बन रही है जलेबियाँ। तो यहाँ से हो जाती है सीढ़ियाँ स्टार्ट मंदिर से भद्रवती नदी तक, और परिक्रमा और मेले से शॉपिंग भी हम कर चुके हैं। तो अब चलते हैं सीधे घर में। कितने नीचे, मतलब कितनी ऊंचाई पर यह मंदिर बनाया हुआ है। ये देखिए यह है सीढ़ियाँ और यह है नीचे की ओर। तो ये देखिए यहाँ से शुरू है सीढ़ियाँ। ये है मेन गेट शिवालय मंदिर का, और यहाँ ऊपर टॉप में है शिवालय का मंदिर। तो ये सीढ़ियाँ शायद 151 सीढ़ियाँ है शायद। और यहाँ से देखिए यहाँ का व्यू, सामने है भदौरा, और यहाँ से ये ऊपर दिख रहा है वो है धपोला सेरा। और हमारे साथी लोग तो जा चुके हैं आगे, और कुछ लोग हैं पीछे। तो हम चलते हैं सीधे वहाँ गाड़ी पे, करते हैं उनका वेट। आप ये देखिए इतनी ऊंचाई पे है ये मंदिर शिव जी का। तो यहाँ पे नदी पे हो रही है पूजा। अब चलते हैं सीधे गाड़ी में। तो अब हम बैठे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं, तो अब हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से लेते हैं कुछ सामान, फिर चलते हैं। यहाँ से ले लिया है हमने सामान, अब चलते हैं सीधे घर की ओर। इधर बाहर के लिए आओ, बाय को बाय। हितांशु, हितांशु, पानी लेके आओ मेरे लिए, पानी लेके आओ। पानी दो मेरे को, थैंक यू। पकड़ो इसको, पकड़ा क्या? दीदी मम्मी थैंक यू। मोबाइल ले जाओ, चलो 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 चलो। जर 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 जर, क्या कर रही तू? आगे मम्मी आगे दे रही है। तो ये फाइनली आ चुकी है। रांसी के लिए क्या क्या लाई है इसकी मम्मी? अरे वाह,
क्यों निकाला? इसी कैप निकाल दी, दादी को दे दिया इसने गिफ्ट। गुड़िया। अति सुंदर। गुड़िया। दादी के लिए चप्पल। हाय। खुलो ना, क्या लाई है? हनपुर। किधर से आहा जलेबी? इसमें क्या है अभी? अस्सी। ये खाया और ले लिया। कौन सी भगवान मंदिर में? बढ़िया भी हो। भीड़ का दूर है? और देखो हितांशी के काम आते आते गुड़िया के जो है हाथ तोड़ चुकी है। ये देखिए कैप भी निकाल दी। इसका हाथ क्यों निकाला तूने? इसको पोगी बेटा, दिखा हाथ, दिखा ये इसका हाथ निकाल चुकी है आते आते। 120 रुपए गए। 2 बजने वाले हैं, खाना वाला रेडी हो चुका है, खाते हैं खाना। तो ये बना रखी है जोई और बात खाते है खाना। हाँ हाँ, तो इनको बांधने का टाइम हो चुका है, 6:30 होने वाले हैं। और जो है मैं जाता हूँ धारे में, लेके आता हूँ पानी, तो मिलते हैं आपसे आगे। हम लोग पहुँचने वाले हैं धारे में। फर्श में ना फिसलन ज़्यादा हो रही है, तो इस साइड से घूम के जाना पड़ेगा, ठीक, जिससे कि सेफली हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएं। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे घर में। तो दोस्तों अभी टाइम जो है 9 बजने वाले हैं, और जो है खाना हमारा हो चुका है रेडी। न्यूट्रिला और आलू की सब्जी है, रोटी है, हरी मिर्च है, तो खा लेते हैं खाना। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, और खाते हैं खाना। तो आई होप ये पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट बोल दे, बाय बोल, बाय बाय, टाटा। हाँ।